वाई आयोडोफॉर्म हैज एप्रिशिएबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडोफॉर्म क्या होता है? CH3। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? मतलब आप उसको स्किन पे या मुंह के अंदर लगाते हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मार देता है या उसकी ग्रोथ रोक देता है। ये एंटीसेप्टिक होता है। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है? जब वो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो आयोडीन रिलीज करता है, और आयोडीन की प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं आयोडीन की। आपने सुना होगा टिंचर आयोडीन, सुना? टिंचर ऑफ आयोडीन सुना होगा नाम ये है? थोड़ा सा आयोडीन नहीं होता ये। ये होता है Al2+I-। आई माइनस मतलब NaI या Ki ले लो, प्लस इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल और वाटर के सॉल्वेंट के में आयोडीन और आयोडाइड डाल देते हैं, इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक होता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आयोडीन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है टिंचर ऑफ आयोडीन, एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में आया है पहले। सो आयोडोफॉर्म क्यों एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है? बिकॉज इट रिलीजेस आयोडीन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद स्किन। हालांकि इसको आप यूज नहीं करते क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, इसको यूज नहीं करते, स्मेल एग्रीबल नहीं है स्मेल इसकी। चलो, वाई इज यूज ऑफ DDT बैंड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? DDT का बैन क्यों कर दिया? ठीक है ना, DDT एक केमिकल है तो उसको बैन कर दिया। DDT वॉज यूज एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स मलेरिया। मलेरिया जो स्प्रेड करता है मॉस्किटो, उसको मार देता है ये। और लाइस दैट कैरी टाइपस। लाइस कौन कौन होता है? जुएं नहीं पड़ती, जुएं सिर में जुएं पड़ जाती हैं, लाइस। ठीक है, तो उसको कहते हैं टाइपस। टाइपस ना एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, इसमें बहुत सारी डिजीजेस आती हैं, इन्फेक्शन आती हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया के कारण होती हैं। आप इसको फीवर समझ सकते हो, मोटा मोटा भाषा में फीवर समझ लो कि वो बैक्टीरिया कैरी करता है, उससे फीवर हो जाता है, तो उसको मार देता है डीडीटी। बट यूज ऑफ DDT वॉज बैंड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। तो इसको बैन कर दिया गया। मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवेलप्ड रेजिस्टेंस टू DDT। जो मच्छर थे और लाइस थी, मतलब जो स्पीशीज पे ऊपर ये काम कर रहा था उन पे असर ही नहीं होता था, इसका रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा, DDT हैज हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स फिश। फिश को ये बहुत टॉक्सिक है, फिश को मार देता है। तो फिश मरता है तो फिर नदियों में फिश, मरे हुए फिश ज्यादा हो जाते हैं, उससे और पोल्यूशन होता है, बहुत पोल्यूशन होता है उससे। DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में यह अकोमुलेट होता रहता है, मेटाबोलाइज नहीं होता, शरीर से बाहर नहीं निकलता, अकोमुलेट होता रहता है उसमें। इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू। टिश्यूज में वो स्टोर हो जाता है। इफ इंजेशन कंटिन्यूज एट स्टेडी रेट DDT बिल्ड्स अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम। तो अगर खाते रहोगे DDT को तो फिर वो बिल्डअप होती रहेगी, तो ये इसलिए इसको हटा दिया। फसलों पे छिड़कते थे इसको इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, तो फसलों के साथ वो प्लांट्स भी अब्सॉर्ब कर लेंगे, फिर ह्यूमंस के भी आ जाएगा। और खेतों में छिड़की है तो पानी बह के नदियों में जाएगा, मछलियों को मारेगा, वो प्रॉब्लम होती थी काफी। बैन कर दीजिए। ठीक है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन। अच्छा हाँ, ये है, इनको मैच करना है आपको। तो ये क्या है, देखो यहाँ मैंने शो किया हुआ है, तो सिंपल सी एक मेमोरी बेस्ड चीज है। फ्लोर एम्फिनिकॉल, ये क्लोर एम्फिनिकॉल है। इसकी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ इसलिए ड्रॉ की है बिकॉज हमारे सिलेबस में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में, ये आपको स्ट्रक्चर इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज, पहली बात तो ये एंटीबायोटिक है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो क्लोर एम्फिनिकॉल एंटीबायोटिक क्या होता है? जिसको आप ओरली खाते हो, जिसको आप खाते हो और वो बैक्टीरिया को मार देता है जाके, या उसकी ग्रोथ को रोक देता है, वो एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, एक तीसरी तरह के भी होते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और
लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ये तीन तरह के होते हैं एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारे। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये फैमिली ऑफ बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फैमिली ऑफ बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होते हैं जो इन दोनों को मार दे, दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को मार दे। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होते हैं जो या तो ग्राम पॉजिटिव को मारे या ग्राम नेगेटिव को मारे। लिमिटेड स्पेक्ट्रम वो होता है जो किसी पर्टिकुलर एक दो बैक्टीरिया को ही मारे, बस फैमिली ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करता हो। तो ये क्या है, एक क्लोर एम्फिनिकॉल क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये टाइफाइड फीवर जब हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, खा लेते हैं इसको, ओरली लिया जाता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से इसको अब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, फिर वो टाइफाइड फीवर इन सब में ये काम आता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन गोइटर से रिलेटेड है। गोइटर क्या होता है, जब गला फूल नहीं जाता, आपने देखा होगा गला फूल सा जाता है, तो वो गोइटर होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड होता है, थायरॉयड ग्लैंड आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, गोइटर हो जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइनें लिखी है मैंने, हालांकि इसमें और इंफॉर्मेशन है, बट जितनी हमारी रेलिवेंट है वो मैंने लिखी है। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एक आर्टिफिशियल हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इतना काफी है इसके बारे में। क्लोरोक्विन, इसकी स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि है नहीं सिलेबस में। तो क्लोरोक्विन क्या होता है, ये मलेरिया के प्रिवेंशन में यूज करते हैं, दैट्स इट, इतनी ही इंफॉर्मेशन है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है, ये तो आपने जानते हो, हॉस्पिटल्स में इसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं, या फिर मूवीज में भी देखा होगा आपने, बेहोश करना होता है, क्लोरोफॉर्म पे कपड़ा डाल के ऐसे लगा देते हैं मुंह पे, है ना। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है, इट्स वेपर्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लोरोफॉर्म के वेपर्स जब आप इनहेल करते हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है, बेहोश हो जाता बंदा। एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। सर सर जो मतलब सम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर यूजफुल इन डेली लाइफ, तो कुछ कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन होता है वो डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। सम कंपाउंड्स ऑफ दिस क्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजर ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू मोर एंड मोर ऑफ यूवी लाइट एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अंग्रेजी झाड़ रखी है इतनी सारी। ये कहना चाहता है कि यूवी लाइट आ जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं हो जाती, फ्लोरा एंड फौना मतलब ये सब्ज बाग ये सब, तो इसको यूवी लाइट पे एक्सपोज कर दिया गया है, और ये भी कुछ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से ही हुआ है। नेम द क्लास ऑफ दीज हेलो कंपाउंड्स, तो वो कौन से हैं बताइए, ये बताया। तो यूजेस के बारे में बताना है और यूवी लाइट किसके कारण हुई है वो बताना है, दो चीजें पूछी हैं। आयोडोफॉर्म, तो कुछ है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इट वॉज अर्लियर यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक के रूप में पहले यूज किया जाता था, आजकल नहीं करते क्योंकि ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, स्मेल इसकी अच्छी नहीं होती। एक येलो कलर का सॉलिड होता है आयोडोफॉर्म, हमारे सिलेबस में टेस्ट भी आएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये एल्डिहाइड्स को, नहीं, मिथाइल कीटोन्स या मिथाइल एल्डिहाइड्स या मिथाइल एल्कोहल्स को टेस्ट करने का टेस्ट होता है, तो येलो सॉलिड होता है, तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती इसलिए इसको यूज नहीं करते आजकल। तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज जब ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आयोडीन लिबरेट करता है, और आयोडीन की प्रॉपर्टीज होती है एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक क्या होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, जो हम स्किन पे या मुंह के अंदर लगाते हैं, बाहर से लगती है, मतलब खाते नहीं है उसको एंटीसेप्टिक को, उसको और बैक्टीरिया को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दे या उसकी ग्रोथ रोक दे, दैट इज एंटीसेप्टिक। चलो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये आपने बहुत देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CCl4 बार बार आता रहता है सॉल्वेंट के रूप में, CS2 CCl4। ये हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं इसको, तो जनरल सॉल्वेंट है, ठीक है ना। दूसरा क्या काम है इसका,
यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैन। रेफ्रिजरेंट्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है ये, एरोसोल कैंस के प्रोपेलेंट्स। ये क्या है, आपने वो देखा है, वो आती है एक स्प्रेज आती है, जो स्प्रेज आती है, जो भी स्प्रेज होती है उसको आप ऊपर से प्रेस करते हो, ऐसे एक बॉक्स सा होता है, कैन सा होता है, उसके ऊपर एक नोजल सी लगी होती है, ऐसे उसको प्रेस करते हो, यहां से बाहर आता है ऐसे स्प्रे, है ना, इसको एरोसोल कहते हैं। एरोसोल एक्चुअली कोई सब्सटेंस नहीं है, एरोसोल मतलब लिक्विड गैस में मिक्स हो जब, उसको एरोसोल कहते हैं। लिक्विड जब एयर में डिस्पर्स हो जाता है तो उसको एरोसोल कहते हैं। एक कोलॉइड का टाइप है ये, जैसे फॉग हो गई, मिस्ट हो गया, तो जब ये यहां से बाहर आता है, फॉग सी नहीं हो जाती मिस्ट, मतलब लिक्विड वेपर्स आर सस्पेंडेड इन एयर, इस स्टेट को, इस फिजिकल स्टेट को एरोसोल कहते हैं। स्प्रे तो जितनी भी स्प्रेज होती है एरोसोल ही होती हैं वो, तो इसको दबाते हो तो बाहर कैसे आ जाता है ये, कोई इसको प्रोपेल कर रहा है अंदर से तभी तो बाहर आता है, तो प्रोपेलेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी नहीं देख रहे हम, बट इसको बस यूज करते हैं प्रोपेलेंट के रूप। फिर क्या, इट इज ऑल्सो यूज एज अ फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए ये काम आता है, रॉ मटेरियल है उसका, ठीक है, अदर क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स बनाने का, बाकी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काम आता है, सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। फिर ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता था 1960 तक, इंडस्ट्री में यूज किया जाता था, डीग्रीजिंग एजेंट, मतलब ग्रीस को साफ करने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए, और घरों में स्पॉट रिमूवर, सफाई करने के लिए स्पॉट रिमूवर, तो ये यूज किया जाता था, इसको वहां वहां भी यूज करते हैं ड्राई क्लीनिंग में, तो क्लीनिंग एजेंट है ये। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। ये सारी ना एनसीईआरटी की लैंग्वेजेस को ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है, डीडीटी। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगला है डीडीटी। डीडीटी है, ये है डीडीटी, मैं बताऊं, ये डीडीटी से डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन है, ये देखो ये ईथेन है ना, अगर मैच लगा दूं, इसकी स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए डीडीटी की। ये है डीडीटी, देखो डी का मतलब डाई क्लोरो डाई फिनाइल, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, डीडीटी, ओके, ये होता है ये, तो ये इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्ट्स को मारता है, इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोज एंड लाइस, मच्छरों के और जुए कह सकते हो आप, उनको मारता है, बट ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स इट वॉज बैंड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1973, इसको बैन कर दिया गया, उसके इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल है, ऊपर हमने देखा। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स इज यूज एज रेफ्री फ्रियॉन 12, ये प्रियॉन्स बहुत सारा होता है, बहुत सारा टाइप का प्रियॉन्स होता है, तो CCl2F2 को प्रियॉन 12 कहते हैं। तो ये क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, अब तो नहीं करते यूज, अब कुछ और अलग फॉर्मुलेशन होता है, जो गैस नहीं डलती एसी में, फ्रिज में गैस होती है, एसी में गैस होती है, तो उसमें ये होता है, गैस में होता है ये, क्योंकि आपको एक वर्किंग फ्लूड तो चाहिए ना उसमें, जो हीट को लेके जाए रूम के अंदर से रूम से बाहर फेंके, हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फेंके हीट को, तो कोई तो फ्लूड चाहिए ना, वही होता है गैस। इट इज ऑल्सो यूज इन एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स, अगेन ये भी स्प्रे प्रोपेलेंट्स के रूप में यूज किया जाता है, जैसे बॉडी स्प्रेज, हेयर स्प्रेज हो गया। ये क्या करता है, फ्रियॉन्स क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा था ना, कौन यूवी लेयर को डैमेज करता है, तो फ्रियॉन्स ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं। ये तो पता है ना, अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है जो यूवी रेज को आने नहीं देती, लेकिन ये डैमेज कर देते हैं ओजोन लेयर को, तो फिर यूवी रेज आ जाती है।